देवनगरी हरिद्वार में भगवान शिव की जटाओं से निकली पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के स्पर्श से महाकुंभ की इस नगरी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं कि यहाँ त्रिदेवो यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। इसी धर्म नगरी में स्थापित है 51 शक्ति पीठों में से एक माया देवी शक्ति पीठ, जो माता सती के द्वारा भगवान शिव का अपमान ना झेल पाने की कथा सुनाता है। यही वह स्थान है जहां काल के किसी खंड में राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी भगवती सती की दग्ध देह रखी गई थी। भगवान शिव ने यही से प्राण प्रिया की मृत देह कंधे पर उठाकर आकाश के रास्ते क्रोध विचरण किया था। जी हाँ, श्री शिव पुराण की कथा के अनुसार माया देवी का ये पावन स्थल भगवान शिव और कनखल के राजा दक्ष से जुड़ा है। कनखल के जगजीतपुर में हुए विराट यज्ञ में पति के अपमान से शुद्ध होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को अपमान की अग्नि में दग्ध कर लिया था। वियोग में भोले शंकर माता सती के मृत शरीर को लेकर जगह जगह भटकने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने शिव शंकर के वियोग को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती की मृत काया के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि माया देवी मंदिर में सती की मृत काया की नाभि गिरी थी और ये जगह माया देवी के रूप में विख्यात हुई। इसीलिए माया देवी मंदिर को सभी 51 शक्ति पीठों में से प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है। मान्यता है कि इसी कारण इस पावन धरा का नाम मायापुरी पड़ा। इस स्थान की गणना पंच तीर्थ स्थलों में भी की जाती है। माया देवी के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। माया के द्वार पर एक बार जो आ गया वो फिर कहीं और नहीं जाता। माया देवी मंदिर के साथ ही बाबा भैरव का मंदिर भी मौजूद है और मान्यता है कि माँ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त बाबा भैरव का दर्शन पूजन कर उनकी आराधना नहीं कर लेते। इस मंदिर में देवी की 3 मूर्तियां स्थापित है, माँ काली देवी माया के बाई और माँ कामाख्या देवी माया के दाहिने और विराजमान है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। प्राचीन काल से माया देवी मंदिर में देवी की पिंडी विराजमान है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही तंत्र साधना भी की जाती है। हरिद्वार में भगवती की नाभि गिरी थी, इसलिए स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। हरिद्वार में स्थापित 3 सिद्धपीठ मंदिर हैं, जिनमें से एक माया देवी को समर्पित है, दूसरा मनसा देवी को समर्पित है और तीसरा माँ चंडी देवी को समर्पित है। मनसा, चंडी और माया को मिलाकर बना ये त्रिभुज केंद्र शक्ति का संचार करता है। माँ माया के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता की राह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु माया देवी मंदिर में अपने सच्चे मन और श्रद्धा के साथ धागा या चुंदरी बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं, माया देवी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने पर वे यहाँ दोबारा आते हैं और माँ को नारियल चुनरी का प्रसाद चढ़ाकर बंधे हुए धागे को खोलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। भगवती की सुबह शाम होने वाली आरती में जो लोग शामिल होते हैं वो अखंड पुण्य के भागी होते हैं। आरती की लौ में माँ का असीम आशीर्वाद है और आरती के लौ की रोशनी जीवन के तमाम कष्टों का अंधियारा हर कर
भक्तों के जीवन में खुशियों का उजियारा लाती है। माया देवी पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। अधिकतर श्रद्धालु सबसे पहले हर की पौड़ी में आकर माँ गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा करते हैं। आप हरिद्वार के किसी भी स्थान से माया देवी के लिए ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं। हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माया देवी का मंदिर, जिसमें 10 मिनट का जाने का समय लगता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।